बकाया मानदेय भुगतान को लेकर रोजगार सेवक करेंगे तालाबंदी। संवाददाता बलिया। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की जनपद इकाई की बैठक बहादुरपुर में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बब्बन चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गठित एपीसी कमेटी की संस्तुतियों को लागू कराने और बकाया मानदेय को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री चौधरी ने कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के 37,000 परिवारों की रोजी रोटी का मामला मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एपीसी कमेटी की संस्तुति को लागू कराने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कमेटी की संस्तुतियों की आख्या मांगी गई है, जिस पर शीघ्र ही फैसला होने की उम्मीद है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रोजगार सेवकों की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन के पास पर्याप्त धन है, किसी भी वसूली से सावधान रहें। बैठक में दुबाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों का विगत 15 से 20 माह का मानदेय बकाया है, जिसके अभाव में रोजगार सेवक आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं, जिसमें मनरेगा कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बैठक में ग्राम रोजगार सेवकों ने निर्णय लिया कि यदि एक सप्ताह के अंदर बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्यालय पर तालाबंदी किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। बैठक में मनोज, सुशील, अशोक, उपेंद्र, इंद्रजीत, विजय, दिलीप, अनूप, राजन सिंह, लाल बाबू, रविन्द्र कृष्णानंद आदि के साथ सैकड़ों ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे। बकाया मानदेय भुगतान को लेकर रोजगार सेवक करेंगे तालाबंदी। संवाददाता बलिया। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की जनपद इकाई की बैठक बहादुरपुर में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बब्बन चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गठित एपीसी कमेटी की संस्तुतियों को लागू कराने और बकाया मानदेय को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री चौधरी ने कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के 37,000 परिवारों की रोजी रोटी का मामला मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एपीसी कमेटी की संस्तुति को लागू कराने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कमेटी की संस्तुतियों की आख्या मांगी गई है, जिस पर शीघ्र ही फैसला होने की उम्मीद है।